वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ आइकन क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के जो हमारे बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन को सारे देखते हैं, ठीक है। जो जो पूछे जाते हैं वो भी एग्जाम में काफ़ी जनरल कॉम्पिटिशन में काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। चलिए आज उस सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्ज का मात्रक क्या होता है। तो कार्ज का सही मात्रक क्या होता है, तो कार्ज का सही मात्रक जूल होता है। बात समझ में आ गया ना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष को दूरी के लिए मापने के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। क्या चीज़ को मापने के लिए, डिस्टेंस को, ये लॉन्ग डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी होता है प्रकाश वर्ष के द्वारा उसको मापा जाता है, ठीक है, तो दूरी हो जाएगा। आगे कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एम्पियर मात्रक किसका होता है। तो एम्पियर किसका मात्रक हो जाता है, यानी ये हो जाएगा विद्युत धारा का, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो यही आपको, ये अभी जस्ट पढ़े तो ऊपर जो प्रकाश वर्ष होता है क्या, किसके लिए होता है, तो यानी डिस्टेंस के मेजर करने के लिए, यानी उसको मापने के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष का, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आता है। अभी जस्ट इसमें अभी 2 नंबर क्वेश्चन में ही है सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पार्सेक इकाई है, किसका इकाई है। आप सोच के बताइए, जो पार्सेक होता है इसका होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। ये भी क्या होता है, ये दूरी का ही होता है, ठीक है। पार्सेक यानी दूरी का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन, ये वाला ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में काफ़ी रिपीट हुआ है, तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ये कह रहा है मतलब कौन सा, मतलब इसका जो मेल सामने दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है ना। तो गलत है, तो डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता के सही मात्रक, तो आपको याद रखना होगा कि ध्वनि के प्रबलता के सही मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल होता है। अश्व शक्ति जो होता है यानी शक्ति का इकाई क्या होता है, अश्व यानी शक्ति होता है, यानी कितना होता है, एक अश्व बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है ना। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, याद रखिएगा। 700 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 746 वाट, एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर इसको कितना हो जाएगा, 746 वाट होता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए हटाइए, नेक्स्ट देखते हैं हम। समुद्री जो मील होती है यानी दूरी की इकाई होती है, तो ये सिंपल है। लेकिन सेल्सियस जो होता है, आप ये बताते टेम्परेचर का होता है कि हीट का होता है, टेम्परेचर का ना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ, यानी यहाँ पे दिया हुआ है हीट दे दिया है, उष्मा दे दिया है, तो हो सकता है इसके लिए क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है, ठीक है। तो क्या होगा, ल्यूमेन ही छोड़िए नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिष फ्लक्स का ही होता है, ये छोड़िए, ये सब नहीं आएगा। हाँ, ये पास्कल इकाई होता है, पास्कल किसका हो जाएगा, तो अभी जस्ट बताया होता है पास्कल जो होता है किसका हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। देखिए ये सब एग्जाम में कहीं कहीं पूछा हुआ है कंपटीशन में, तो छोड़िए उसे, ये आज आ सकता है एग्जाम में। तो पास्कल किसका हो जाएगा, दाब का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिला मात्रक होता है, कैंडिला किसका होता है, तो कैंडिला किसका हो जाएगा बताइए फटाफट। तो ज्योतिष तीव्रता क्या होता है, कैंडिला होता है, ज्योतिष तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, कैंडिला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है 10 नंबर का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक क्या होता है। आपको पता होना चाहिए जो इसका जो बीमा होता है सेम जो दाब का होता है वही होता है। तो दाब पी बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर कौन सी होता है, पी बराबर कौन, पी बराबर क्या हो जाएगा, दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, समझ में आए, फोर्स अपॉन एरिया, तो यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित युगों में कौन से भौतिक राशियों की बीमा समान है, नहीं है, सॉरी समान नहीं है। तो इसका बॉल का और दाब का तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि बॉल का होता है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बॉल का होता है ML T-2 होता है, जबकि दाब का हो जाएगा ML-1 T-2 होता है, इसका डिफरेंट होता है। कार्ज का ऊर्जा का ML2 T-2 ऊर्जा, कार्ज का उल्टा ऊर्जा का दोनों का सेम होता है, आवेग संवेग का उसका भी सेम होता है, भार यानी जो बॉल होता है अब्राहम जी उसका भी कंजी होता है, दोनों का सेम हो जाए, तो ये ऑप्शन ए विल बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है
कह रहा है कौन सा अदिश राशि है, तो अदिश आपको फाइंड करना है, तो अदिश के लिए स्केलर क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में ऊर्जा हो जाएगा, ये बला गुण और संवेग जो होता है इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलिएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर यानी सदिश। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इसमें वेलोसिटी यानी वेग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हमारे वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ करें। जय हिंद, जय भारत।